हेलो 11th क्लास, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवर फोर्थ चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक ट्रिंगल, इज गोइंग ऑन। यस्टरडे वीडियो आवर लास्ट स्टेटमेंट, एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना स्वयं का कमरा तो है, जो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी है, यूरी ने कहा जब वह शाम को घूमने के लिए आया था। तो उसने यूरी से बात कही अल्बर्ट ने। आगे से हम देखेंगे, आज एटलीस्ट यू लिव अमंग से, ठीक है ना। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने यूरी से कहा, कम से कम तुम सभ्य व्यक्तियों के बीच में तो रहते हो, जबकि वे सभी गरीब विद्यार्थी हैं। दे आर नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने उत्तर दिया कि वह सभी सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन द ड्यूअल? यानी कि क्या तुमने नहीं सुना कि उसमें से पिछले हफ्ते झगड़े में एक मारा गया था? एंड वट हैपन्स टू द वन ऑफ हु किल्ड हिम? और क्या हुआ उसका जिसने उसे मारा था? नथिंग ऑफ कोर्स, निसंदेह कुछ भी नहीं। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे तो इस पर गर्व भी है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स। निसंदेह कुछ नहीं हुआ, उसे तो इस पर गर्व भी है। उसकी एकमात्र चिंता यह है कि अधिकारियों ने उससे कहा कि वह और कोई लड़ाई झगड़ा न करे। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज नॉट सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बेड ऑफ द ऑनर। यानी कि क्योंकि उसके चेहरे पर सम्मान के चिन्ह प्रतीक के रूप में अपने शेष जीवन में धारण करने के घाव का कोई भी निशान नहीं है। ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट बड़ा आश्चर्य प्रकट करता है। एंड दीज आर द स्टूडेंट, यानी कि ओ अल्बर्ट ने आश्चर्य से कहा, तथा ये सब विद्यार्थी हैं। अल्बर्ट और यूरी आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है। वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने कहा, ठीक है, तुम भी एक दिन विद्यार्थी होंगे। I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. मैं नहीं समझता कि मैं कभी भी स्कूल का डिप्लोमा हासिल करने की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकूंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in the Berlin. Her father had a business. यानी कि अगली बार जब उसकी चचेरी बहन Elsa म्यूनिख आई, वही सारी बातें बता दी। आमतौर पर वो बर्लिन में रहती थी, जहाँ उसके पिताजी का क्या था, अपना कारोबार था, अपना बिजनेस था, ठीक है ना, बिजनेस। ये बातें चल रही है उनकी। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। मुझे भरोसा है अल्बर्ट, तुम इम्तिहान पास करने के लिए काफ़ी कुछ सीख सकते हो। सीसाइड, उसने कहा, आपने उसकी बहन और उसका कन्वर्सेशन है। नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। उसने कहा, मैं काफ़ी सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुम्हारे से भी ज़्यादा बुद्धू और मूर्ख हैं। हु गेट थ्रो दे से यू डू नॉट हैव टू नो एनी थिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम्स। और जो उत्तीर्ण हो जाते हैं, वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें यह भी समझने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुम्हें क्या सिखाया जाता है, केवल परीक्षा में उसे दोहराने योग्य होना चाहिए। दैट इज द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, यही तो मुसीबत है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं चीज़ों को मुझमानी याद करने में निपुण नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें किसी चीज़ में दक्ष होने की आवश्यकता भी नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोते की तरह याद कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडिट एल्सा, वट इज वन यू आर रीडिंग। यानी कि कोई भी तोते की तरह याद कर सकता है, बस तुम केवल कोशिश नहीं करते, और फिर भी तुम्हें हमेशा किताब को बांह के नीचे दबाए हुए देखती हूँ। एल्सा ने आगे कहा, क्या नाम है उस बुक का, वट इज़ द वन यू आर रीडिंग? यानी कि उस किताब का नाम क्या है जिस किताब को तुम अभी पढ़ रहे हो। यानी कि एल्सा ने पूछा अपने भाई से कि जिस किताब को तुम अभी पढ़ रहे हो उस किताब का नाम क्या है, तो उत्तर देता है, अ बुक ऑन जियोलॉजी। यानी कि ये किताब क्या है, एक भूविज्ञान की पुस्तक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, यानी कि भूगर्भशास्त्र, चट्टानों और वस्तुओं की पुस्तक। डू यू लर्न दैट, क्या तुम्हें इन्हें सीखते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं, हमें मुश्किल से कोई विज्ञान का विषय पढ़ा जाता है स्कूल में। एल्सा पूछती है उसे, देन वाई यू आर स्टडिंग इट, तब तुम क्यों पढ़ रहे हो उसको? तो अल्बर्ट कहते हैं, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, अच्छी लगती है किताब। इज नॉट दैट अ गुड इनफ रीजन, क्या यही कारण पर्याप्त उपचित नहीं है? एल्सा ने बड़ी आह भरी।
यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, अल्बर्ट तुम निसंदेह बिल्कुल सही हो, सिसर्ड उसने कहा, बट इट इज वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन यह पुस्तक तुम्हारे डिप्लोमा के लिए सहायक नहीं होगी, यानी कि कहने का मतलब क्या, वो कोर्स की किताब नहीं है उसकी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस इज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, यानी कि विज्ञान पर पुस्तकों के अलावा उसे केवल संगीत से आराम मिलता था और वह तब तक नियमित रूप से वायलिन बजाता रहता था जब तक उसकी मकान मालकिन उसे बजाना बंद करने के लिए नहीं कहती। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, सी सेड, उसने कहा, देयर इज इनफ नॉइज इन द हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग, इतनी तीक्ष्ण आवाज़ से मेरी नसें खिंच जाती हैं, वो कहती थी, घर में वैसे ही बच्चों के चीखने चिल्लाने का काफ़ी शोर है। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू सी नथिंग। अल्बर्ट उसे बताने के लिए लालायित हो गया कि यह हुआ है जो अधिकतर समय उन्हें चिल्लाने के लिए बाध्य करती है, लेकिन उसने निश्चय किया कि बेहतर यह रहेगा वह उससे कुछ न कहे। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, अब अल्बर्ट कहता है, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड टू यूरी, मुझे यहाँ से चले जाना होगा, उसने यूरी से बताया। आफ्टर सिक्स मंथ्स अलोन इन मुनिच इट इज अफसर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, उसने यूरी से कहा, मुनिक में 6 माह अकेले रहने के बाद यह बेकार की बात होगी यदि मैं इस प्रकार से स्कूल जाता रहूं। एंड द एंड इट विल बी टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा कि मैंने अपने पिता का धन और समय नष्ट किया है। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, यह सभी के लिए अच्छा होगा यदि मैं अभी से स्कूल जाना क्या कर दूँ, बिल्कुल बंद कर दूँ। कहने का मतलब वो है स्कूल अब जाना नहीं चाहता है, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन अब जाना नहीं चाहता है स्कूल, ठीक है ना। एंड देन विल यू डू, यूरी आज, यूरी ने पूछा, और अब तुम क्या करोगे, यूरी ने प्रश्न किया उससे, यानी कि उसे पूछा यूरी ने, तुम अगर स्कूल छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे, या फिर स्कूल छोड़ने के बाद क्या होगा तुम्हारा। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान जाऊँगा, आई एम अफ्रेड माई फादर, मैं अपने पिताजी से बहुत डरता हूँ, ही विल सेंड मी बैक, वो मुझे वापस भेज देंगे, यानी कि मुझे पिताजी वापस नहीं आने देंगे, घर वापस दोबारा भेज देंगे। अनलेस हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, उसकी आँखें किसी अकस्मात विचार के आने से चमक उठी। यूरी, क्या तुम किसी मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले डॉक्टर को जानते हो, यानी कि उसने क्वेश्चन किया, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, कोई तुम्हारा मित्र है क्या यूरी। तो यूरी ने कहा, आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, मैं कई सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, कुछ उसमें मेरे मित्र भी हैं, यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू मी वाई, मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं रहे कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ। सपोज सर अल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, यानी कि मान लो अल्बर्ट ने कहा, यदि मेरा वास्तव में क्या हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन मेरे मस्तिष्क का घात हो जाता है, मान लो डॉक्टर कह देता है कि मेरा स्कूल जाना बुरा है और मुझे तुरंत स्कूल से बाहर जाने की आवश्यकता है, तो क्या होगा, ऐसा अगर बहाना लगाया जाए तो कैसा रहेगा, यूरी से कंसल्ट करता है, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं। आई कैन नॉट इमेजिन अ डॉक्टर आई मस्ट ट्राई सर अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स, हमें ऐसे डॉक्टर की खोज करनी चाहिए जो कि नर्व्स में क्या है, नाड़ी का विशेषज्ञ हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे हैं ऐसे, यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उसे बताया। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण वो हिचकिचाया, एंड देन एडेड, तब कहा उसने, रादर रिलेक्टेंटली आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे नो वन इफ यू लाइक। अब यूरी ने कहा कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ, यूरी ने उसे बताया, वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर आगे कहा, काफ़ी अनिच्छुक होकर कहा उसने, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, रिलेक्टेंट वर्ड आया है जो, रिलेक्टेंट का मतलब क्या मीन्स क्या होता है, अनिच्छुक होना, अनिच्छा से, यानी कि वो अनिच्छा से कहा उसने, मैं कुछ विद्यार्थियों से कह दूंगा, यदि वे किसी को जानते होंगे तो, यदि तुम चाहो तो मैं बात करता हूँ, ऐसा यूरी ने किसको बताया,
एल्बर्ट आइंस्टीन से कहा। यहाँ तक देखना है आपने आज, यहाँ तक का वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन करना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड नहीं है इसमें, ठीक है ना। स्पेशलाइज यहाँ पर आया है, विशेषज्ञ कहते हैं, रिलेक्टेंट मैंने आपको बता दिया, प्लेंटी मैंने बहुत सारों को कहते हैं, तो यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन आपने कॉपी में करना है।